हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लकी डिस्पोजल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान तरीके से श्री राम नवमी पर्व का पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग भी इस प्रकार से श्री राम नवमी पर्व का पोस्टर बना सको। दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए जो भी PNG PLP मटेरियल यूज़ हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को 3 स्टेप में मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग को पासवर्ड मिल जाए और आप लोग फाइल को डाउनलोड करके सेव कर सको। दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चरलैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चरलैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की साइड पर 3 डॉट के निशान पर क्लिक करेंगे, यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमने फाइल को डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ है वहाँ से फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे, फिर ओके कर देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा बैकग्राउंड रहेगा। अब इस बैकग्राउंड में हम लोग एक एक PNG को सेट करके अपना पोस्टर तैयार करेंगे। इसके लिए प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे, यहाँ से PNG सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, फिर यहाँ पे बीच वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे और राइट साइड स्क्रॉल करके रिलेटिव साइज़ पर क्लिक करेंगे और इसका रिलेटिव साइज़ बढ़ा के 100 कर देंगे जिससे PNG सही जगह पे सेट हो जाए। उसके बाद ओके कर देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा पोस्टर रहेगा। अब इस पोस्टर में हम लोग नीचे की साइड पे अपने चैनल का इंट्रो, अपने चैनल का नाम, अपना नाम और अपना फ़ोटो PNG सेट करेंगे। तो मैंने अपने चैनल का इंट्रो सेव करके रखा हुआ है, उसे सिलेक्ट कर लेंगे, प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे, यहाँ से चैनल का इंट्रो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ओके कर देंगे, इसका रिलेटिव साइज़ भी बढ़ा के 100 कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो YouTube, Twitter, Facebook का आइकॉन बना हुआ है उसके बगल में हम लोग अपने चैनल का नाम और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। तो मैंने अपने चैनल का नाम सेव करके रखा हुआ है, उसे सिलेक्ट कर लेंगे, प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे, यहाँ से चैनल का नाम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ओके कर देंगे, इसका रिलेटिव साइज़ भी बढ़ा के 100 कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। दोस्तों, आप लोग को अगर अपना नाम लिखना है तो प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना रहेगा, टेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा, फिर यहाँ पे ए वाले आइकॉन पे क्लिक करना रहेगा, यहाँ पे पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना रहेगा और यहाँ से आप लोग अपना नाम लिख सकते हो। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे लिखना है। तो यहाँ पे ओके कर देना रहेगा, फिर यहाँ पे राइट साइड स्क्रॉल करके डबल टी पे क्लिक करके आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे बड़ा हो रहा है, उसी प्रकार पे यहाँ पे ओके कर देना रहेगा। उसके बाद राइट साइड स्क्रॉल करके कलर पे क्लिक करके आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, आप लोग को जो भी कलर पसंद है आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद ओके कर देना रहेगा, फिर राइट साइड स्क्रॉल करके फॉन्ट पे क्लिक करके आप लोग इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। आप लोग को जो भी फॉन्ट पसंद है आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ओके कर देना रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग अपना नाम लिख सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे राइट साइड में जो जगह खाली है वहाँ पे हम लोग अपना फ़ोटो PNG सेट करेंगे। तो मैंने अपने बेटे का फ़ोटो PNG सेव करके रखा हुआ है, उसे सिलेक्ट कर लेंगे, प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे, यहाँ से फ़ोटो PNG सिलेक्ट करेंगे, यहाँ ओके कर देंगे, इसका रिलेटिव साइज़ भी बढ़ा के 100 कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा पोस्टर तैयार हो गया है। दोस्तों, अगर पोस्टर में आप लोग को कलर पसंद ना हो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे जो लास्ट में आइकॉन बना हुआ है वहाँ पे क्लिक करना रहेगा,
और राइट साइड स्क्रॉल करके यू पे क्लिक करके इसको प्लस माइनस करके आप लोग कलर चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, तो आप लोग को जो भी कलर पसंद है वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना रहेगा। अब दोस्तों इस पोस्टर को हम लोग गैलरी में कैसे सेव करें, इसके लिए यहाँ पे शेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करना रहेगा। इमेज फॉर्मेट में PNG सिलेक्ट करना रहेगा, क्वालिटी डायमेंशन में अल्ट्रा सिलेक्ट करना रहेगा और सेव टू गैलरी कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमारा पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग को अगर किसी फेस्टिवल का या किसी स्थापना दिवस का या बर्थडे का या शॉप का बैनर बनवाना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग बहुत ही आसान तरीके से मोबाइल से ही पोस्टर बैनर बना सको। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।